मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मंत्री तोमर अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं, सामने कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के बीच मंत्री पहुंचकर उनसे झंडा छीनने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस का झंडा छीनते हुए मंत्री जी वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहे हैं। मंत्री जी को झंडा छीनते हुए देख कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। इसके बाद मंत्री झूमा झटकी पर उतर आए। मंत्री कार्यकर्ताओं से झूमा झटकी और हाथापाई करने लगे। कुछ ही देर बाद मंत्री तोमर ने अपनी तरफ से सफाई देने के लिए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि मैं फूलबाग चौराहे पर माजी समाज से ज्ञापन लेने गया था। माजी समाज वहां प्रदर्शन कर रहा था, तभी कुछ कांग्रेसी मेरा विरोध करने आ गए और वे मुझे माजी समाज के लोगों से मिलने नहीं देना चाहते थे। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ हाथापाई की। मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो शांतिपूर्वक रहें, संयम से रहें। माने साथियों, मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। आज ये आपका सेवक फूलबाग चौराहे पर माजी समाज का धरना चल रहा था, वो तपती धूप में बैठे हुए थे। उनकी मांगों उनका ज्ञापन लेने फूलबाग चौराहे पर गया। वहां पर कुछ कांग्रेस के झंडा लिए हुए लोग खड़े हुए थे मेरी गाड़ी के ऊपर, और वो माजी समाज के लोगों के बीच धरने तक ना पहुंचूं, वहां पर आकर के व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। जन सेवक को जिस तरीके से गुंडागर्दी करने की जो कोशिश की गई है, मैं उन कांग्रेसियों से ससम्मान कहना चाहता हूं कि ये सेवक विचलित नहीं होगा। ये जनता का सेवक, ग्वालियर की जनता के हकों और उनके सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ नौछावर कर देगा। और आज भी मेरे को वो जनता की सेवा के लिए रोक नहीं सकते। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वो जरा भी जनता के विकास में आड़े ना आए, क्योंकि जनता किसी पार्टी की नहीं होती है। जब तक लोग हैं तभी तक हम लोग राजनीति कर पा रहे हैं। तो मेरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व से, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 15 महीने की सरकार में 15 मिनट ग्वालियर को नहीं दिए। ग्वालियर के जेएच हॉस्पिटल का काम रुकवा दिया, ग्वालियर के जेएच हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी के लिए पैसा नहीं दिया, चंबल एक्सप्रेस के लिए पैसा नहीं दिया। आज करोड़ों रुपए के विज्ञापन के लिए पैसा कहां से आ गया? ये करोड़ों रुपए के विज्ञापन के लिए पैसा कहां से आ गया ये मैं जानना चाहता हूं, ये जनता जानना चाहती है। जब जनता इस बात को पूछ रही है तो आप उत्तेजित हो रही है। अरे भाई, उसके लिए जवाब तो दो। मैं पुनः सभी साथियों से, भारतीय जनता पार्टी आम जन से आग्रह कर रहा हूं कि हमें उत्तेजित नहीं होना है, हमें संयम में रहकर इनको, क्योंकि इन्होंने 15 महीने में कुछ किया नहीं है, तो उस कमी को छिपाने के लिए ये उत्तेजित होंगे, ये झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। पर हमें इनके किसी भी बीच में व्यवधान
इनको जो करना है करने दो, हम जनता की सेवा करते रहें, इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज टुडे, ग्वालियर।